नमस्कार दोस्तों, आजकल चल रही हमारी दिल्ली सल्तनत की सीरीज, जहां पिछली वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आए। ठीक है, जहां हमने जाना गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, तुगलक वंश के बारे में, सैयद वंश के बारे में और लोधी वंश के बारे में। और इसके अलावा हमने गुलाम वंश के एक शासक कुतुबद्दीन ऐबक के बारे में भी जाना, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक थे। और आज की वीडियो में हम जानेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश की, जो कि गुलाम वंश का तीसरा शासक बना और मुख्य रूप से दूसरा शासक ही कहा जाएगा, क्योंकि जो कुतुबद्दीन ऐबक का पुत्र था उसे इल्तुतमिश द्वारा गद्दी से हटा दिया गया था सिर्फ 8 महीनों के बाद, और उसके बाद इल्तुतमिश शासन में आ गया था। तो आज की वीडियो में हम शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में जाने, तो वीडियो पूरा देखना क्योंकि वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगा लेकिन जानकारी पूरी मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखना और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलिए बढ़ते अपनी वीडियो में। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में जाने, तो इसका राज्य अभिषेक होता है 1211 में लाहौर में। ठीक है दोस्तों, यह कुतुबद्दीन ऐबक के पुत्र जो आराम शाह था उसे हटाकर राज्य में बैठ जाता है, तो जिस कारण 1211 में लाहौर में इसका राज्य अभिषेक होता है। वहीं इसका शासनकाल जो रहता है वो 1211 से 1236 ईस्वी के बीच रहता है। वहीं यह लाहौर से अपनी राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट कर लेता है। ठीक है, इसकी जो स्थायी राजधानी थी वो दिल्ली हो जाती है, परंतु कुतुबद्दीन ऐबक जो था उसकी स्थायी राजधानी लाहौर थी, और यह राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित करता है। और वास्तविक रूप से जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है वो इसी के कार्यकाल से होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो कुतुबद्दीन ऐबक था वो फाउंडर तो था, बट उसने जो अपना पूरा शासन चलाया वो लाहौर से ही चलाया था। उसके बाद बात करते हैं इल्तुतमिश की मृत्यु की, तो इसकी मृत्यु हो जाती है 1 मई 1236 में दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया उसका अभिषेक से मृत्यु तक का सफर। ठीक है, तो चलिए जानते हैं उसके शासन के बारे में। दोस्तों बात करते हैं इल्तुतमिश के शासन काल की, तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार कुतुबद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने खरीदा था उसी प्रकार इल्तुतमिश को कुतुबद्दीन ऐबक ने खरीदा था उसके माता पिता से, तो जिस कारण से गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। परंतु यह युद्ध कौशल में और रणनीति में बहुत अच्छा था, तो जिस कारण मोहम्मद गौरी ने इसकी उपाधि गुलाम से हटाने को कहा कुतुबद्दीन ऐबक से, तो जिस कारण कुतुबद्दीन ऐबक इसकी गुलाम की उपाधि हटा देता है और बाद में अपनी बेटी की शादी भी इससे करा देता है, तो जिस कारण यह कुतुबद्दीन ऐबक का दामाद भी होता है। तो चलिए जानते हैं इसके शासन काल के बारे में। तो इल्तुतमिश आराम शाह को गद्दी से हटाकर शासक बनता है। ठीक है, आराम शाह कौन था, तो कुतुबद्दीन ऐबक का पुत्र था, तो जिसे इल्तुतमिश हटा देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। तो इसके बाद यह कुतुबद्दीन ऐबक के कार्यकाल में बदायूं का सूबेदार भी होता है। ठीक है, शासक बनने से पहले कुतुबद्दीन ऐबक के कार्यकाल में इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार भी होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इल्तुतमिश को शासक बनने के बाद बगदाद के खलीफा ने सुल्तान की उपाधि दी थी, और दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला यह पहला व्यक्ति था, क्योंकि जो कुतुबद्दीन ऐबक था वो गुलाम था मोहम्मद गौरी का, तो जिस कारण उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, और लेकिन जो इल्तुतमिश था वो सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। ठीक है दोस्तों, तो यह उपाधि उसे किसने दी, तो बगदाद के खलीफा द्वारा उसे यह उपाधि दी गई थी। तो समझ आया कि शासन काल कैसे रहा, तो इल्तुतमिश ने किसे हराया, तो आराम शाह जो कि कुतुबद्दीन ऐबक का पुत्र था उसे हराकर शासक बना। वहीं यह कुतुबद्दीन ऐबक के शासन काल में बदायूं का सूबेदार भी बना था, और अंत में शासक बनने के बाद से सुल्तान की उपाधि भी प्राप्त की गई बगदाद के खलीफा द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा इल्तुतमिश का शासन काल। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे क्या कहता है इतिहास। दोस्तों इतिहास के पन्ने टटोलें तो इल्तुतमिश के सल्तनत काल के प्रमुख अंग नजर आते हैं, जहां इल्तुतमिश के सल्तनत काल के 3 प्रमुख अंग हुआ करते थे, जिसमें पहला था इक्ता, दूसरा था सेना और तीसरा था मुद्रण प्रणाली। तो जो इक्ता था उसमें धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, जो भी उसके दरबार में काम किया करते थे तो उन्हें धन के स्थान पर भूमि का एक टुकड़ा दिया जाता था वेतन के रूप में। वहीं दूसरा जो अंग था वो था सेना। इल्तुतमिश द्वारा 40 तुर्क सलाहकारों का एक परिषद बनाया गया, जिसे तुर्के चिहलमानी नाम दिया गया था, यानी कि दल 40 भी हम इसे कहते हैं। तो इसका सेना का प्रमुख 40 तुर्क सलाहकारों का एक परिषद था, जिसे तुर्के चिहलमानी कहा जाता है और दल 40 नाम से भी जाना जाता है, जो कि इल्तुतमिश के सल्तनत काल का एक प्रमुख अंग हुआ करता था। इसके अलावा इसकी एक मुद्रा प्रणाली थी, जिसमें उसने 2 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। एक था टका, ठीक है, इसमें चांदी के सिक्के हुआ करते थे। वहीं दूसरा था जीतल, जीतल में तांबे के सिक्के चलाए गए थे इसके द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो यह था इल्तुतमिश के सल्तनत काल के प्रमुख अंग। क्या क्या थे,
एकता, सेना और मुद्रा प्रणाली। ठीक है दोस्तों, एकता में क्या दिया जाता था, तो वेतन की जगह पर धन के स्थान पर क्या दिया जाता था, भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। सेना में क्या था, तो उसने 40 तुर्क सलाहकारों का एक संघ बनाया था जिसे दल 40 नाम से भी जाना जाता है। वहीं मुद्रा प्रणाली क्या थी, तो इसमें इसने दो प्रकार की मुद्राएं चलाई, टका और जीतल। टका क्या था, तो चांदी के सिक्के थे, वहीं जीतल क्या था, तो यह तांबे के सिक्के थे। तो यह थे इसके सल्तनत काल के प्रमुख अंग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और क्या कहता है इसके बारे में इतिहास। दोस्तों अब बात कर लेते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश के प्रमुख युद्धों की। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश एक कुशल योद्धा था जिस कारण उसने दिल्ली सल्तनत हासिल की अपने दम पर। तो जिस कारण इसने मुख्य 6 युद्ध लड़े थे अपने सल्तनत काल में, जिसका पहला युद्ध था तराइन का तृतीय युद्ध। तो तराइन का तृतीय युद्ध इसने 1215 ईस्वी में लड़ा एल्दोला के विरुद्ध, जहां इसे विजय प्राप्त हुई। वहीं इसके बाद इसने मंसूर का युद्ध लड़ा, किसके खिलाफ लड़ा, तो नसरुद्दीन कुबाजा के साथ लड़ा, जिसमें इसकी जीत हुई और यह युद्ध 1217 में लड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद इसने बंगाल विजय की 1226 में गयासुद्दीन के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, और इसका चौथा युद्ध था सिंध और मुल्तान पर विजय। यह विजय उसने 1227 में पाई नसरुद्दीन कुबूजा के विरुद्ध। ठीक है, सिंध और मुल्तान में किसके विरुद्ध विजय पाई, तो नसरुद्दीन कबूजा के विरुद्ध विजय पाई। कब पाई, तो 1227 ईस्वी में विजय पाई। इसके बाद इसने राजपूत विजय किया 1226 से 1231 के बीच, और अंत में इसका जो युद्ध था वो पंजाब के खोखरों से विजय था, जो कि 1235 में इसने लड़ा था। वहीं पंजाब के खोखरों ने ही मोहम्मद गौरी को मारा था। ठीक है दोस्तों, तो मोहम्मद गौरी को मारा था और इसके साथ इसका संघर्ष चला था, जिस कारण जो मोहम्मद गौरी ने इसकी गुलाम की उपाधि हटाने से भी कहा था। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका पहला युद्ध था तृतीय तराइन का युद्ध था एल्दोला के विरुद्ध 1215 में, दूसरा था मंसूर का युद्ध नसरुद्दीन कबूजा के विरुद्ध 1217 में, तीसरा था बंगाल विजय 1226 में गयासुद्दीन के खिलाफ, चौथा युद्ध था सिंध व मुल्तान पर विजय 1227 में नसरुद्दीन कबूजा के विरुद्ध ही था अभी, और उसके बाद इसने 1226 से 1231 तक राजपूत विजय की, और अंत में पंजाब के खोखरों पर इसने विजय की 1235 में। ठीक है दोस्तों, तो यह थे इल्तुतमिश के प्रमुख युद्ध। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके कुछ और अन्य बिंदु। तो इसके अन्य बिंदुओं की बात करें तो इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की नीति भी चलाई। तो इल्तुतमिश जो था उससे न्याय मांगने के लिए, ठीक है दोस्तों, अगर मेरे साथ कुछ अपराध हो रहे तो मैं न्याय मांगने अगर दरबार में जाऊंगा तो मैं लाल वस्त्र पहन के जाऊंगा, ऐसी नीति उसने चलाई थी, जो कि बाद में उसकी बेटी रजिया सुल्तान ने भी अप्लाई की थी। ठीक है दोस्तों, क्यों अप्लाई की थी, तो उसे सल्तनत नहीं मिली थी, तो जिस कारण वो दरबार में गई लोगों के सामने कि मुझे न्याय दो, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि मेरे बाद मेरी जो अधिकारी होगा वो कोई मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरी बेटी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु के बाद ऐलान कर चुका था कि उसके बाद उसका जो अगला उत्तराधिकारी होगा वो रजिया सुल्तान होगी दिल्ली सल्तनत की, क्योंकि जब ग्वालियर में वो फंस गया था तो उसके बेटे उसे बचाने नहीं आए थे बल्कि रजिया सुल्तान बचाने आई थी। तो जिसके बाद उसने युद्ध जीता भी था और ग्वालियर में उसका राज्याभिषेक भी किया इल्तुतमिश ने, और अंत में उसने कहा कि जो भी मेरे जीते हुए क्षेत्र हैं या जिन क्षेत्रों में राज करता हूं तो वहां मेरा जो शासन है वो मेरी बेटी रजिया सुल्तान को दिया जाएगा। जबकि जो उसका छोटा बेटा था, तो उसके इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके छोटे बेटे ने 40 जो उसके तुर्क दल 40 थी उसके साथ मिलकर शासन में बैठ गया था, परंतु जब वो न्याय मांगने आई लाल वस्त्रों के साथ तो उसे फिर से हटा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका छोटा बेटा शासक बनता है, पर कुछ ही टाइम के बाद उससे रजिया सुल्तान को न्याय मिलता है और रजिया सुल्तान शासक बनता है। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छे से समझ आएगी। अगर अच्छे से समझ आई और पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक प्यार बनाए रखें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।